दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस Redmi Fire TV की एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा है टीवी और Alexa के साथ आने वाला ये टीवी कैसे आपकी लाइफ को इजी बनाने वाला है, कैसे सेट टॉप बॉक्स का इसका इंटीग्रेशन बढ़िया है एंड ढेर सारे फीचर्स हैं एट एन अमेजिंग प्राइस ऑफ अंडर 25,000 रुपीज। ग्रेट इंडियन सेल में ना ये टीवी बहुत बिकने वाला है, तो पूरी वीडियो देख के लोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस टीवी का प्राइस रखा गया है 25,999 रुपये, लेकिन आप SBI कार्ड का डिस्काउंट आज की डेट से भी लगा सकते हैं। जो सेल में प्राइस रहेगा लगभग वही प्राइस है, 1,500 रुपये का ही फर्क पड़ने वाला है। तो यू कैन बाय दिस टीवी राइट नाउ ऑल्सो। यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, हम 2-3 दिन से सोए नहीं पूरी टीम वाले। पहले हाईसेंस वाला वीडियो कंप्लीट किया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है यहाँ पे आई कार्ड आता है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। Redmi Fire TV का भी आप बना रहे हैं क्योंकि हमें आप तक वीडियोस टाइम पर पहुंचाने हैं, तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिस मत कर देना एंड बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम आप डेली लाइव भी करेंगे। यार कब से प्लानिंग कर रहे हैं लाइव की, बट कोशिश करेंगे लाइव भी करें एंड आपके सवालों के जवाब लाइव भी देंगे, क्योंकि सेल आ रही है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट द सेल एंड विच टीवी टू बाय, ये नंबर है 6377-9121, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप बात करेंगे टीवी की डायरेक्टली। इस टीवी का प्राइस 25,000 से कम रखा गया है, सेल में इतना ही रहेगा, मैंने बता दिया है। फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि हाउ इज द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंड बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। दोस्तों, अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस आई होप आपको पसंद आया होगा। बॉक्स के इनबॉक्स एसेसरीज की बात करें तो आपको एक रिमोट मिल जाता है, बैटरीज मिल जाती हैं, कुछ स्क्रूज मिलते हैं, स्टैंड्स मिलते हैं, दो वॉल माउंट आपको इंक्लूडेड नहीं मिलता है, एक यूज़र मैनुअल मिलता है और उसको पीछे की साइड से देखेंगे तो आपको वारंटी कार्ड भी उसी में देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इनबॉक्स एसेसरीज सब कुछ बराबर मिलती हैं, बहुत अच्छी पैकेजिंग करी गई थी, उसमें भी कोई समस्या नहीं आई मुझे। एंड जो बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी कि डिज़ाइन हमेशा से रेडमी एंड शाओमी के बहुत बढ़िया रहता है, मेटल डिज़ाइन है एंड यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। एक साल की वारंटी है, बट यू कैन गेट 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी ऑन दिस बाय यूजिंग, अगर आप अभी खरीद लेते हो सेल में, लेकिन 2 साल की भी आपको पूरी नहीं पड़ रही है तो यू कैन एक्सटेंड दैट वारंटी अप टू 5 ईयर्स बाय यूजिंग गो वारंटी। गो वारंटी इज अ वारंटी एक्सटेंशन सर्विस जो 5 साल तक आपकी वारंटी एक्सटेंड कर देती है। होगा क्या कि 2 साल की तो ऑलरेडी है, 3 साल की और जुड़ जाएगी तो 2-3-5। गो वारंटी की वेबसाइट पर जाना है एंड अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करके, टीवी सेलेक्ट करके, प्राइस रेंज सेलेक्ट करके आप अपनी वारंटी को खरीद लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ टीवी में नहीं, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन एंड किचन अप्लायंसेज, होम अप्लायंसेज, कैमराज, बहुत सारे चीज़ों की वारंटी को एक्सटेंड करते हैं। तो यू शुड चेक आउट गो वारंटी इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज। इसे 100-200 रुपये वाली सस्ती वारंटी मत समझना, ये बहुत ज़्यादा हाई क्लास वारंटी है जो आफ्टर सेल सर्विस पर ध्यान देती है। एंड एट दी एंड अगर आपका डिवाइस ठीक नहीं होता है तो यू विल गेट अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस गो वारंटी। प्लीज चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आगे बढ़ते हैं, हम इसका इनिशियल सेटअप करेंगे, अपील्स करेंगे, UI के बारे में बताएंगे, UI का थोड़ा फायर टीवी है एंड्रॉइड से अलग रहता है, एंड वीडियो क्वालिटी एंड ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, ये आपको मिल जाता है Redmi Fire TV के साथ जो रिमोट आता है, इसमें आपको प्राइम वीडियो, Netflix और Amazon म्यूजिक एंड ऐप्स की हॉटकी मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको गाइड और इनपुट बटन मिलता है, गाइड का बटन काम आएगा जब भी आप सेट टॉप बॉक्स के चैनल्स को गाइड देखना चाहेंगे। वॉल्यूम प्लस माइनस और चैनल प्लस माइनस मिल जाता है। इसके बाद बैक, होम एंड मेन्यू का बटन, होम के बटन को अगर आप एक या आधे सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो आपको और मल्टीपल सेटिंग्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके साथ डी पैड, प्ले पॉज, रिवाइंड, प्लेबैक कंट्रोल्स के बटन मिलते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है एक टीवी के रिमोट में। इसके साथ पावर और अलेक्सा का बटन मिलता है एंड अलेक्सा का बटन काफ़ी फास्ट काम करता है। दिस रिमोट इज़ परफेक्ट एंड मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिमोट यू कैन बाई फॉर अ फायर टीवी। Let's have some peels.
दोस्तों पोर्ट्स की बात करें तो आपको एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है, उसके बाद एक ईयरफोन जैक या हेडफोन जैक, ऑक्स आउटपुट भी आप इसे ले सकते हैं यूज़ करने के लिए, 1, 2 एंड 3 HDMI मिल जाते हैं, उसके नीचे एक और USB 2.0 का पोर्ट। ये साइड के पोर्ट्स हैं, कुछ पोर्ट्स बॉटम में भी दिए गए हैं। बॉटम के पोर्ट्स की बात करें तो आपको एक लैन पोर्ट मिल जाता है जिससे आप इंटरनेट कनेक्ट कर पाएंगे, एक आपको SPDIF का ऑप्टिकल आउट मिल जाता है जिससे आप हाई क्वालिटी के साउंड बॉक्स को कनेक्ट कर पाएंगे, एंड एक आपको AV इनपुट मिल जाता है, RCA का पोर्ट। बेसिकली आप इसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप उसको कनेक्ट कर पाएंगे इफ़ यू वॉन्ट कि आप 4K TV में सेटअप बॉक्स कनेक्ट करें, वो भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन का। एंड एक एंटीना पोर्ट भी मिल जाता है डायरेक्ट चैनल्स के लिए, जो DD नेशनल वगैरह होते थे ना उनके लिए। दोस्तों TV को मैंने सेटअप कर लिया है, स्टैंड माउंट कर लिया है, एंड आप वॉल माउंट भी करवा सकते हैं, बट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट, एंड इंस्टॉलेशन वाला बंदा कराएगा एंड आपकी TV को। तो यहाँ पर मतलब Amazon Fire TV लिखा गया है, इससे पहले Redmi Fire TV लिखा आया था। लोडिंग है, देखिए अगर आप इसे Amazon से खरीद रहे हैं तो यू हैव दैट ऑप्शन टू लिंक विद योर डिवाइस, तो आपका Amazon ID लॉगिन आ जाएगी। बट अगर Amazon ID लॉगिन नहीं आती है और आप कनेक्ट उस पर ओके नहीं करते, तो दो चीज़ें आपको सेटअप करने के लिए करनी पड़ेंगी। एक Amazon का अकाउंट होना ज़रूरी है, उस Amazon के अकाउंट से आप इस TV में सीधे सीधे लॉगिन कर लेंगे, एंड यू हैव टू कनेक्ट टू योर वाईफाई। एंड आप देखो मेरे पहले से कंटिन्यू है, तो बस सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट करना है, और 5 GHz का वाईफाई सपोर्ट करती है। मैं एक बार वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ एंड देन आई लॉग इन विद माई Amazon अकाउंट, जो कि शायद ये लिंक आई है पहले से, तो सेटअप करने के बाद आपसे डायरेक्टली मिलते हैं। वाईफाई कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है, चेकिंग फॉर अपडेट। फायर TV है तो हमेशा लेटेस्ट रहती है, मैंने कई बार देखा है, एंड सबसे पहले डाउनलोडिंग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर करेगा, फिर इसको इंस्टॉल करेगा, फिर वो पूछेगा कि सेव डेटा करना चाहते हो कि नहीं, वो आज से पेरेंटल कंट्रोल वाले ऑप्शंस मिलेंगे आपका, जो अगर पुरानी फायर TV यूज़ करते हो तो उसका वो सब मिलेगा। ये सब करने के बाद एक्चुअली आपको होम स्क्रीन पर डायरेक्ट मिलेंगे, आपको बताएंगे कि हाउ टू यूज़ दिस यूज़र इंटरफेस Redmi Fire TV, जो कि आपका एक्सपीरियंस बहुत बेटर करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैंने TV को पूरा सेटअप कर लिया है। फायर TV की कुछ खासियत मुझे ये चीज़ लगी कि बहुत फ्लूइड रहता है यार, इट्स जस्ट सो फास्ट, इट नेवर हैंग्स, और आई थिंक रैम भी थोड़ी सी बढ़ाई है Redmi Fire TV 43 में Redmi Fire TV 32 से। एवरीथिंग इज़ ग्रेट फॉर 4K कंटेंट, दिस TV विल बी ऑसम। थोड़े से फीचर्स से मैं आपको वाकिफ करवा देता हूँ। जब आप होम स्क्रीन पर आते हैं, होम का बटन दबाते हैं तो आपकी होम स्क्रीन जाती है। जब आप होम बटन को 1 सेकंड या 0.5 सेकंड के लिए होल्ड करके छोड़ते हैं तो आपको ये साइड में मेन्यू मिल जाता है, जिसमें आपकी प्रोफाइल, प्रोग्राम गाइड, इनपुट्स, डिस्प्ले मिररिंग, ऐप्स, स्लीप टाइमर, पिक्चर, साउंड वगैरह ऑप्शन भी मिल जाते हैं। डिस्प्ले मिररिंग में आप इसमें Miracast यूज़ कर सकते हैं इजीली, और Miracast काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। यूट्यूब पर भी कास्ट का बटन आ जाएगा, तो वहाँ से आपको समस्या नहीं आने वाली है। स्क्रीन मिररिंग आप कर पाएंगे बिना वाईफाई के भी, ये काम अच्छा रहता है, ठीक है। इसके बाद होम, लाइव, माई स्टफ़ में आप कुछ वॉच लिस्ट वगैरह बना सकते हैं, जैसे इंडिया मैच अब इंडियन वाली बने हुई है, इंडिया न्यूजीलैंड की। इसके बाद लाइव में आप जाएंगे तो सोनी लिव Z5 डिस्कवरी प्लस सन नेक्स्ट TV किट फर्स्ट नेक्स्ट TV ये तो हैं ही, इनके अलावा आप अपने सेट टॉप बॉक्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट कर दोगे तो आप कैसे करना है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सेटिंग्स में जाओगे आप, इसमें सिंक सोर्सेज में जाओगे, इसके बाद DTS सेट टॉप बॉक्स। यहाँ पर मान लीजिए आपने अपनी टाटा स्काई लगा रखी है जिस भी HDMI कनेक्शन से, एड इक्विपमेंट करके, तो आप सेट टॉप बॉक्स में जाएंगे एंड टाटा स्काई वगैरह सब कुछ इसमें ईजिली कनेक्ट हो जाएगा। एंड सेट टॉप बॉक्स पर जब चैनल चेंज करने होंगे ना, तो यू डोंट हैव टू, ये सारे ऑप्शन हैं इसमें, एयरटेल, D2S, सन डायरेक्ट, टाटा स्काई, प्रोवाइड नॉट लिस्टेड, ये सारे के सारे यो सेट टॉप बॉक्स प्रोवाइडर्स हैं। इन सब पे चैनल आप अपने फायर TV रिमोट से ही कर पाएंगे। एंड ये रेडमी का फायर TV रिमोट थोड़ा सा अलग आता है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एंड बढ़िया रहता है। कुल मिला के अलेक्सा से बोल के आप चैनल्स को चेंज कर पाएंगे और ये एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा रहता है। और जो चैनल्स हैं वो आपके यहीं पर आ जाएंगे, जैसे स्टार प्लस वगैरह सब यहीं आ जाएंगे। स्टार प्लस के साथ नेटफ्लिक्स भी आ रहा है। अब मान लो आपने स्टार प्लस लगाया तो HDMI 1 स्विच हो जाएगा, इसके साथ आपका चैनल भी चेंज हो जाएगा जिस चैनल पर आपने लगाया है। कुछ ऐप्स यहाँ पे लिखे आते हैं, बाकी डायरेक्ट आपका ऑनलाइन रिमोट में ही ऐप्स का बटन दबाते हैं तो सारे ऐप्स जो आपने इंस्टॉल कर रखे हैं वो मिल जाते हैं। सभी पॉपुलर ऐप्स आपको इसमें उपलब्ध हैं। प्राइम वीडियो, ऐप स्टोर भी है, अमेजन म्यूजिक, इंटरनेट, लिव, टेड, इसके बाद जो वूट, एरोसनाउ, Z5 गाना, डिजिटल हॉटस्टार, ये सब मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। जियो सिनेमा भी है, VLC मीडिया भी है, बहुत सारे हैं। टोटल कमांडर वगैरह भी मैंने डाल रखे हैं फॉर कुछ कंटेंट वगैरह डालने के लिए। तो यहाँ तक तो मस्त था। पिक्चर क्वालिटी अगर अच्छी है तो बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको वॉइस असिस्टेंट का भी बताता हूँ। अगर आपको मान लीजिए कुछ लाइट्स कंट्रोल करनी है अपने रूम में, तो मैं आपको लाइट्स ला के दिखाता हूँ इस स्टूडियो की अलेक्सा के बटन से, और देखना कि कितना फास्ट काम करेगा। टर्न ऑन द स्टूडियो हॉल,
आपने देखा कि लाइट्स चल गई हैं रूम की, थोड़ा सा और बेहतर लग रहा है। अब वापस बंद करते हैं, टर्न ऑफ द स्टूडियो हॉल। तो बहुत फास्ट काम करता है अगर आप अपने स्मार्ट होम को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने कैमरास को इसमें देखना चाहते हो, या फिर इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग एल्स जो कि स्मार्ट होम से रिलेटेड है, वो आप इसमें ईजिली कर पाओगे। ठीक है, बढ़िया है। डेटा मॉनिटरिंग का फीचर भी आपको इसमें मिलता है। इसके बाद अगर सेटिंग्स में जाएंगे तो और भी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क, डिस्प्ले ऑडियो, पिक्चर की ब्राइटनेस वगैरह। हम पिक्चर की अभी क्वालिटी का टेस्ट करेंगे, तो हम चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट पिक्चर रहे, तो इसीलिए मैं इसमें एक सेकेंड ऐप्स एंड वीडियो में जाके अलग अलग सोर्सेज की अलग अलग आप उसमें बैकलाइट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम USB से चलाएंगे, तो उसमें पिक्चर मोड वगैरह को हम बेस्ट विविड मोड पर चला के देखेंगे, ताकि थोड़ा सा और बेहतर आपका एक्सपीरियंस लगे और जो बेस्ट इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको दिखा पाऊँ। तो लेट्स डू अ पिक्चर टेस्ट फर्स्ट, उसके बाद आगे बात करेंगे। दोस्तों ये है पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट Redmi Fire TV 43 इंच 4K का, एंड इट्स लुकिंग अमेजिंग। अब तक तो If you are buying this TV for natural colors, perfect colors, tint करके perfect colors, then you should not have any problem. Brightness का मुझे शुरुआत से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत darker side में है, but maybe आप होम स्क्रीन का जब होल्ड करोगे तो यहाँ पर पिक्चर सेटिंग्स में थोड़ा सा और ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, बैकलाइट्स को बढ़ा सकते हैं। पिक्चर मोड भी इको पे चल रहा है अगर आप इसे स्टैंडर्ड डायनेमिक सेट करेंगे। अभी इसे मैंने डायनेमिक पे सेट किया है, तो आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ब्राइट हो गया, स्पोर्ट पर थोड़ा सा और ब्राइट हो जाएगा। अब इसको डायनेमिक पे सेट करते हैं, इको से तो बेटर ही कलर्स एंड ब्राइटनेस हो रही है। आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट ब्राइटनेस फॉर स्टैंडर्ड रेफिनेशन कंटेंट। ऑब्वियसली USB से तो हाई बिट रेट में 4K वेल चल रही है, तो बहुत शार्प दिख रहा है, एक्सट्रीमली शार्प दिख रहा है। यहाँ पे जो प्रोसेसर लगाया है जो कंटेंट को प्रोवाइड करवा रहा है, कूलर टोन्स देखिए आप, कॉन्ट्रास्ट देखिए। इस सीन में तो इतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखेगा, जो और डार्क सीन्स आएंगे विद ब्राइट समथिंग इन द, इसमें आप देखिए डार्क सीन्स भी अच्छे देखने वाले हैं। आई थिंक डिटेल्स शार्पनेस आर वेरी गुड, एंड प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। 10 में से इजीली 9.5 9.8 मिलेंगे इसे फुटेज। इस स्क्रीन को देखिए, इसमें आप कॉन्ट्रास्ट का डिया लगा पाएंगे। बेस्ट एम बेस्ट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ इट्स मैनेजेबल, मोर देन गुड, अबव एवरेज फॉर श्योर। पिक्चर क्वालिटी बहुत परफेक्ट निकल के आ रही है इस टीवी में से। श्योरली एट दिस प्राइस यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद द पिक्चर क्वालिटी इन स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट। हाई डायनेमिक वाले कंटेंट के लिए ना, HDR कंटेंट के लिए, हाई डायनेमिक रेंज वाले कंटेंट के लिए मैं थोड़ा सा नेटफ्लिक्स पे चला के देखूंगा, एंड देखते हैं कि वहाँ पे ब्राइटनेस बराबर से आ रही है कंटेंट में कि नहीं। बाकी आप देखो 4K का वर्ल्ड कप आने वाला है, 4K में अगर वर्ल्ड कप हॉटस्टार पे आता है तो और एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा। मैं तो चाहता हूँ 4K में देखे वर्ल्ड कप, हॉटस्टार पे अगर दिखाते हैं तो मज़ा आएगा। वैसे हॉटस्टार 4K में चल रहा है, इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हॉटस्टार ऐप खोलते हैं, ऐप्स का बटन इसमें डायरेक्टली दबाएंगे यहाँ से, एंड हॉटस्टार का ऐप खोलते हैं तो हॉटस्टार के ऐप में भी आप 4K में कंटेंट प्ले कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे। एंड वर्ल्ड कप अभी तो वार्म अप मैचेस चल रहे हैं, तो वो 4K में नहीं है, तो 4K कंटेंट आप देख रहे हैं, 4K USD HDR सब में लिखा आ रहा है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी इसमें नहीं आ रहा है, इसमें डॉल्बी 5.1 लिखा आ रहा है, बट 4K भी आए तो बेहतर रहे यार। वर्ल्ड कप भी 4K में देखना चाहते हैं हम। स्टार स्पोर्ट्स वालों सुन लो यार, आपने 2013 का वर्ल्ड कप, 2013 का ही था आई थिंक, 2011 का वर्ल्ड कप 4K में दिखाया था। 15 का नहीं दिखाया, 19 का नहीं दिखाया, फिर उसके बाद कुछ दिखाया ही नहीं। 11 का नहीं, 15 का दिखाया था आई थिंक, 15 का 4K दिखाया था, टाटा स्काई 4K लॉन्च हुई थी। ठीक है, नेटफ्लिक्स चला के दिखाते हैं आपको। नेटफ्लिक्स में फास्ट तो है, फायर टीवी, इट्स अ फायर टीवी, तो इट विल बी सो फास्ट यू विल नॉट बिलीव। आप जब इसे यूज़ करोगे तभी आप बिलीव कर पाओगे। एंड्रॉयड टीवी, हालांकि ये भी एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म ही है फायर टीवी भी, बट बहुत फास्ट एंड्रॉयड, सब चीज़ें तुरंत के तुरंत खुल के आती हैं, एंड एवरीथिंग इज़ जस्ट सो अमेजिंग इन फायर टीवी। एक्सपीरियंस आपका मस्त रहने वाला है। लेट्स प्ले प्लाने प्लान भी हमारा ट्राइड एंड टेस्टेड कलर्स वाली मूवी है, एंड हमेशा इसी को मैं टेस्ट करता हूँ। मैं वैसे चेंज भी कर सकता हूँ, कोई सीन नहीं है नहीं, अभी तक तो फिलहाल इसके क्या डार्कर सीन्स भी हैं इसमें और ब्राइट सीन्स भी हैं, तो अच्छे से टेस्ट हो जाता है। ये HDR में चल रहा है, डॉल्बी विजन को ये टीवी सपोर्ट नहीं करती है, एंड आप देख रहे होंगे थोड़ा सा डार्कर सीन्स में दिस टीवी इज़ स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। मैं ये कहूँगा HDR में भी स्ट्रगल कर रहा है। ये सीन तो ब्राइट सीन था यार, लेट सब पूरी लाइट वाले सीन चलाते हैं, लेट सी के आउटसाइड में ब्राइट सीन्स में दिक्कत नहीं आ रही है, बट हाँ यू कैन सी कि थोड़ा सा ब्राइटनेस इस टीवी का कम है। HDR कंटेंट चलाओगे तो थोड़ा सा बहुत इशू मे बी आप फील करो,
आई कैन ठीक है, ये वाले सीन तो परफेक्ट लग रहा है बहुत। एचडीआर में दिक्कत तो नहीं आ रही है, इट्स जस्ट इट नॉट बैड सीन में इतना प्रॉब्लम नहीं है। डार्क सीन्स को देखो अलग अलग, योर माइलेज विल वेरी, आप क्या देख रहे हो उसमें बहुत फर्क पड़ता है, शूट कैसे हुआ उसमें बहुत फर्क पड़ता है, डायरेक्टर आपको क्या दिखाना चाहता है उसमें बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन कोई डार्क सीन्स हैं तो थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा अपना कि क्या है। डिटेल्स वाला मैं दिख तो रही है हल्की फुल्की, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट 43 इंच कंटेंट आई हैव एवर सीन। इससे बेटर पिक्चर क्वालिटी मैंने देखी है, इससे कम प्राइस की रिव्यू मैंने देखी है। जैसे इन्फिनिक्स क्यूलेट का मैंने जब रिव्यू किया था तो वो काफ़ी ब्राइट था इस वाली से। ओवरऑल एच डी आर कंटेंट में मैं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देने वाला इस टीवी को, मे बी 9 आउट ऑफ 10 इज़ गुड। मैं पॉइंट्स देने मेरी आदत पड़ गई है, वैसे देने नहीं चाहिए बट ठीक है। एच डी आर कंटेंट में मे बी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, जो मैं कहूँगा पिक्चर क्वालिटी में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। यूजर इंटरफेस बहुत मस्त है, 4K के कंटेंट हॉटस्टार में भी चलेगा, तो वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस आप ले पाएंगे एंड इट्स जस्ट गुड। लेट्स टॉक अबाउट ऑडियो एंड हम माइक को पास में रखेंगे रेडमी के नीचे ताकि आप थोड़ा सा आइडिया लेगा पाएँ एंड विल सी कि इसमें आवाज़ कैसी आती है। Heavy beat hit me with that future sound. It's time to let go. We're not going home. This feeling I can't live without. So shame on me. I'm a fool for the melody. This is our party, and this is where the beat goes down. We're gonna dance like we don't care. Keep on popping bottles like we're millionaires. Yeah, we're just getting started, living for the weekend. Whoa. Shame on me, I'm a fool for the melody. I don't wanna stop right now. All I need is a drum with a heavy beat. Hit me with that future sound. I got goosebumps. Okay, this TV का sound बहुत अच्छा आ रहा है and this is the clearest sound I have ever heard in a Redmi TV or in a Xiaomi TV, I will say. जो MIX Pro का जो sound quality थी ना, उस level की इसमें sound quality आ रही है and बहुत 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 अच्छी है। पिछली बार की Redmi TVs में तो इतना मामला अच्छा नहीं था, इसमें बहुत अच्छा है एंड 80, 85, 90 तक भी बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी। हाइज अच्छे हैं, 50 लाउडनेस बहुत बढ़िया है, 40-50 भाई ये इतनी लाउड है कि ये 400 स्क्वायर फीट के रूम में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। इट्स जस्ट सो अमेजिंग। ऑडियो में 10 out of 10 है इफ़ वी सी द प्राइस ऑल्सो एंड यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है टीवी के स्पीकर से बहुत गुड है। You should not have any problem with the user interface, audio quality, picture quality के साथ भी नहीं होनी चाहिए, but हाँ HDR में थोड़ा सा और टेस्टिंग के बाद मालूम पड़ेगा क्या सीन है। फिलहाल इट्स लुकिंग गुड, 9 out of 10 इज़ नॉट बैड फॉर द प्राइस के 22-23 मे बी आफ्टर ऑल द डिस्काउंट 23 में मिल जाएगी आपको, वैसे 25-26 मिल रही है टीवी, फटाफट से ले सकते हो आप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों कंक्लूजन की बात करें दैन दिस टीवी इज जस्ट सो ऑसम एट दिस प्राइस। पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आ रही है, हाई डायनेमिक रेंज में HDR कंटेंट में मेरा थोड़ा सा कंसर्न्स है, बट आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि 90-80% ऑफ कंटेंट जो आप देखने वाले हो वो नॉर्मल कंटेंट रहने वाला है। जो अपना कंटेंट निकल के आता है सेट टॉप बॉक्स से वो नॉर्मल कंटेंट रहने वाला है, और उसमें डायनेमिक मोड पर चलाओ कि समस्या का चांस ही नहीं है। ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार लगी, मुझे पसंद आ गई, क्योंकि नॉर्मली मुझे रेडमी टीवी की जो लास्ट टीवीज थी उनमें मुझे मैं अच्छा नहीं लगा था, बट यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट बिगर साइज ऑल्सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। रेडमी फायर टीवी 32 जो थी वो भी मुझे पसंद तो आई थी एंड अच्छा भी टीवी था, बट कंपटीशन में इतना टिक नहीं पा रहा था। ये टीवी कंपटीशन में टिक पाएगा नहीं, कि इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके कंपेरिजन आगे और टीवियों से भी करेंगे एंड सेल में कौन सा टीवी बेहतर रहने वाला है ये
बहुत मुश्किल होने वाला है मेरे लिए एंड आपके लिए भी, तो थोड़ा सा इजी करने के लिए नंबर बता देता हूँ 6377912121। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपके सवाल का जवाब 24 घंटे के अंदर मैं खुद दूंगा पर्सनलाइज रिस्पॉन्स एंड डिस्काउंट लिंक के साथ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये टीवी खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज़ मेरे ही लिंक से लेना, हमें भी थोड़ा सा मदद हो जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।